today. क्योंकि उसने एक दिन नियुक्त किया है और वो आज का दिन है. प्रभु, लॉर्ड, कब होगा मेरे साथ? When will I receive it? आज. Today. आज. Amen. आपको रिसीव करना है. You have to receive. ये जो ये कहानी एक दृष्टांत की तरह है. This story is like. क्योंकि आप जानते हैं, यीशु ने उसको चंगा नहीं किया. It's a parable because Jesus did not. यीशु को तो पता भी नहीं था किसने छुआ. Jesus did not even know who touched him. ये कहानी हमारे लिए एक शिक्षा है. This is a teaching for us. यीशु ने उसको चंगा नहीं किया. Jesus ने अपनी चंगाई को खींच लिया. She pulled her healing for herself. उसने अपनी चंगाई को विश्वास से ले लिया. By faith she drew her healing. उसने कहा, आज जब मैं उसके वस्त्र के छोर को छुऊंगी तो चंगी हो जाऊंगी. She said, today when I will touch the hem of his garment, I will be healed. मुझे नहीं पता आपके शरीर में क्या बीमारी है. I don't know what sickness you have in your body. मुझे नहीं पता डॉक्टर्स ने क्या बोला है. I don't know what the doctors have told you. मगर फर्क नहीं पड़ता. But it doesn't matter. कोई भी लाइलाज बीमारी नहीं है जो यीशु मसीह चंगा नहीं कर सकता. There is no incurable sickness which Jesus cannot heal. आज जब मैं उसको विश्वास से छूंगा, आज जब मैं उसको विश्वास से छूंगी, मैं आज अपनी चंगाई ग्रहण करके जा. Say, today when I will touch him by faith, I am going to receive my healing. I am going back healed from this place. इस्तेमाल करना है अपने अधिकार को आज. You have to use your. तब तक उस स्त्री के पास भी वो प्रिविलेज नहीं था जो आज आपके और मेरे पास है. Even that woman did not have the privilege that you and I have. उसके पास अधिकार नहीं था. She did not have authority. हमारे पास अधिकार. We have authority. आप आज कैंसर से बोलोगे. You will speak to the cancer. आप आज उस ट्यूमर से बोलोगे. You will speak to that. आप आज उस लाइलाज बीमारी से बोलोगे. You will speak to that incurable disease today. ये आपका दिन है. This is your day. मैं आपको बता रहा हूँ, अब जब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं. I am telling you when we are going to pray today. परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर उतरने वाली है. The power of God will come down upon you. उसका टच आपके ऊपर आने वाला है. His touch is going to come upon you. और जैसे पवित्र आत्मा का स्पर्श आपको मिलेगा, आपका शरीर सर से लेकर पांव तक चंगा हो जाएगा. एंड व्हेन द होली स्पिरिट विल टच यू टुडे, योर बॉडी विल बी हील्ड फ्रॉम हेड टू टो. आमेन. हर एक व्यक्ति आज अपनी चंगाई लेके जा रहा है. एवरीवन इज गेटिंग द हीलिंग विद. हो सकता है कुछ लोगों के शरीर में 100% उसी समय मैनिफेस्ट हो जाए. मे बी फॉर सम 100% हीलिंग विल मैनिफेस्ट. कुछ लोगों के शरीर में 30% हो, मगर चंगाई हर कोई लेकर जा रहा है यीशु के नाम. फॉर सम इट कुड बी 30%, बट एवरीवन इज टेकिंग हीलिंग टुडे इन जीसस नेम. आपको आज इस बात को ध्यान से सुनो. टुडे हियर दिस केयरफुली. आज जब जाओगे यहां से, टुडे व्हेन यू गो फ्रॉम हियर, इस बात को थाम लेना है. होल्ड ऑन टू दिस कि मेरी चंगाई शुरू हो चुकी है. दैट माय हीलिंग हैज स्टार्टेड. माय हीलिंग, मेरी चंगाई शुरू हो चुकी है. माय हीलिंग हैज स्टार्टेड. जॉन जी लेक कहते थे, जॉन जी लेक यूज्ड टू से कि सबसे ब्लेस्ड, सबसे धन्य चंगाई वो है जो हल्के हल्के करके मैनिफेस्ट होती है. द मोस्ट ब्लेस्ड हीलिंग इज द वन दैट मैनिफेस्ट्स ग्रेजुअली एंड स्लोली. क्योंकि जो लोग आते हैं पहले दिन और चमत्कार लेकर चले जाते हैं, कई लोग तो यहाँ पे ये सोच के आते हैं ये बाबा, ये टोटका होता है यहाँ पे, यीशु बाबा के यहाँ, ये बाबा नहीं है यहाँ पे. बिकॉज मेनी पीपल कम एक्सपेक्टिंग अ क्विक फिक्स. दे थिंक देयर इज अ बाबा हियर हु विल प्रे इन जीसस नेम एंड वी विल बी हील्ड. टोटके के लिए मत आओ यहाँ पे. डोंट कम हियर फॉर अ क्विक फिक्स. उद्धार के लिए आओ, अपना जीवन उस परमेश्वर को दो. कम फॉर योर सैल्वेशन, गिव योर लाइफ टू दैट गॉड. आमेन. So, आज अगर आप पहली बार यहां पे आए हो, इफ यू हैव कम हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, केवल चंगाई लेकर मत जाओ, चंगा करने वाले को लेकर जाओ अपने साथ. डोंट जस्ट टेक हीलिंग विद यू, बट टेक द वन हु हील्स यू. आमेन. एक परमेश्वर के दास हैं, अभी उनका अमेरिका में एक सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट चर्च है. अ मैन ऑफ गॉड हैज हु हैज द बिगेस्ट चर्च इन अमेरिका राइट नाउ. और उनकी माँ को कैंसर हो गया. His mom was diagnosed with cancer. मैं आज आपको जो बात बता रहा हूं, अगर कितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं आज? How many of you can hear me today? मैं आपसे चाहता हूं केवल 10 मिनट अब आप ध्यान से मेरी बात. I want you to give me 10 minutes intently. Distract now. Without distraction. कई लोग क्या करते हैं, वो केवल उनका फेथ किस पे, ले हैंड पे. Many people's faith is only on the lay hand prayer. ठीक है, मैंने आपको क्या बोला? It's okay. जिस तरीके से आपको चंगा कर सकता है प्रभु, हम वो सब करेंगे. We told you, whatever तेल लगाना है तेल लगाएंगे, पानी लगाना है पानी लगाएंगे, रुमाल लगाना है रुमाल लगाएंगे, वचन बोलना है वचन बोलेंगे, जो करना है वो करेंगे, पर बस चंगे हो जाओ.
Whatever method will work for you to be healed, we'll do it. We'll put oil on you, water, handkerchief, whatever you can receive healing with, we'll do it. मगर आपको ये भी सिखाएंगे कि स्वयं आप अपनी चंगाई कैसे ले सकते हो. But we will also teach you how you can take your healing for yourself. कि आप ये ना हो कि आप 30 साल से चर्च में आ रहे हो मगर आज भी आपने डायपर पहना है. So that the story is not that you are in the church since 30 years but wearing diaper still. मम्मी दुदू. अरे अब तो आप इतने बड़े हो जाने चाहिए कि आप खुद खाना खाओ, अपनी भूख मिटाओ और वो खाना किसी और को भी दो. By now you should be grown up so you can feed yourself and also feed others. Amen. मैंने आपको क्या बताया? रात को 3 बजे दर्द होगा, क्या करोगे? What will you do in the middle of the night if you have pain? उस दिन मेरा सबसे मैं खुश होऊंगा, मेरा बेस्ट डे होगा जिस दिन इस कलीसिया में किसी को भी ले हैंड की जरूरत नहीं पड़ेगी. That will be my best day. I'll be the happiest when no one in this church will need a lay hand prayer. और आप स्वयं वचन से अपनी चंगाई, अपना छुटकारा, अपना प्रमोशन, अपना डिलीवरेंस, अपनी बढ़ोतरी लेना सीख जाओगे. एंड यू योरसेल्फ विल लर्न हाउ टू टेक योर हीलिंग, योर डिलीवरेंस, योर प्रमोशन फ्रॉम द वर्ड फॉर योरसेल्फ. मगर करते रहेंगे क्योंकि नए लोग आते रहते हैं और उनको जरूरत है. बट वील कीप डूइंग इट बिकॉज न्यू पीपल कीप कमिंग एंड दे नीड इट. आप जानते हैं एक पास्टर का काम कितना कठिन है? डू यू नो हाउ हाउ डिफिकल्ट अ पास्टर्स जॉब इज? आई टेल यू व्हाई. पास्टर एक वो टीचर है चर्च में जिसको सिखाना है एक क्लास में जहां नर्सरी का बच्चा भी बैठा है, 12th का भी बैठा है, MBBS वाला भी बैठा है, 4th का भी बैठा है, 3rd का बैठा है. क्या प्रचार करेगी सबको, सबके लिए? पास्टर इज द टीचर हुज टीचिंग अ क्लास व्हिच हैज ऑल द किड्स फ्रॉम नर्सरी टू MBBS. व्हाट विल ही टीच देम? टीचर 12th को सिखाता है, उसे पता है 12th के बच्चों के लिए क्या है. मगर यहाँ पे लोग आते हैं, सबका आत्मिक लेवल अलग अलग है. आपको ऐसा वचन देना है जो सबको ब्लेस करे. When a teacher teaches a class, he knows what to teach them. But as a pastor, you have to teach the people that everybody will be blessed. Amen. इसीलिए प्रार्थना करा करो पास्टर्स. So pray for pastors. So उनकी माँ को कैंसर हो गया. His mother was diagnosed with cancer. कई बारी क्या होता है, लोग जब इस मीटिंग में आते हैं उनके लिए प्रार्थना भी और एकदम चंगाई प्रकट नहीं हुई तो वो गिव अप कर देते हैं, बोलते हैं क्या हुआ. Many times when people come to the meetings and they don't see the healing immediately, they say what happened? कुछ भी नहीं हुआ. Nothing happened. अरे बहुत कुछ हुआ जो तुम्हारी आंखों ने नहीं देखा अभी. A lot happened that your eyes did not see. यीशु ने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया. Jesus cursed the fig tree. पतरस कहता यीशु क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ. Peter said what happened Jesus? Nothing happened. यीशु कहता रुक जा जरा. Jesus said wait. अगले दिन जब वापस आ रहे हैं, next day when they were coming back, देखा पेड़ सूख गया. They saw the fig tree. बोला अरे रब्बी ये तो वही पेड़ है जिसको तूने कल श्राप दिया था. He said Rabbi look the same tree you cursed yesterday. जिस दिन कमांड किया, श्राप दिया, जड़ से वो चीज सूखनी शुरू हो चुकी है. The day he commanded it, cursed it, it started to dry up from the roots. अपना विश्वास खो मत क्योंकि आंखों से नहीं दिख रहा अभी. Don't lose faith because you cannot see with these eyes. जब प्रार्थना होती है, आपने ग्रहण किया, चंगाई शुरू हो चुकी है. When prayer is done, you have received, the healing has started. So वो समय बहुत छोटे थे. That time he was very young. और उनकी मम्मी ये उस समय 2-3 साल के थे. He was 2-3 years old. और मैं उनकी मम्मी की ये गवाही दे रही थी, मैं वो सुन रहा था. His mother was telling her story and I was hearing it. और उन्होंने प्रार्थना करी, डॉक्टर के पास गए, मगर डॉक्टर ने कहा आप आपको जो करना है वो करो, खाओ पियो, आपके पास बहुत कम समय. They prayed, went to the doctors. The doctor said, "You have very little time. Do whatever you want to do, whatever you like." क्या होगा अगर किसी को ऐसी न्यूज़ मिली? वो आप सारी आशा छोड़ देते हैं. What happens when someone hears a news like that? They lose all hope. सारे हथियार छोड़ देते हैं. They leave all the weapons. आपने देखा है क्रिकेट मैच में क्या होता है? Have you seen in a आखरी बॉल तक लड़ते हैं. They fight till the last. आर्मी वाले क्या करते हैं? What does आखरी सांस तक लड़ते हैं. They fight till the last. लीसिया के अंदर ये जज्बा आना है. The church has to get this motive. Amen. जब तक मेरे शरीर में आखरी सांस भी होगी, उसकी महिमा करूंगा और उसका वचन बोलूंगा. Till I have my last breath in my body, I will speak His word. I will fight a good fight. So, डॉक्टर के पास गए. डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं हो सकता. The doctor said nothing can happen. और नीति वचन 4:22 में लिखा है कि उसका जो वचन है वो दवाई है हमारे पूरे शरीर के लिए. Proverbs 4:22 it says his word is medicine for our entire body. उसका वचन क्या है? What is his word for दवाई है हमारे पूरे शरीर के लिए. Medicine for our entire body. उन्होंने डिसाइड किया, मैं अब दिन में 3 बार वचन की खुराक लूंगी. She decided I will take the dosage of the word 3 times a day. बिना मिस करे.
विदाउट मिसिंग. हर रोज सुबह वो उठती. एवरी मॉर्निंग उन्होंने बाइबल से सारी चंगाई की आयतें निकाली. शी टुक आउट ऑल द वर्सेस ऑन हीलिंग फ्रॉम द बाइबल. एक डायरी बनाई. मेड अ डायरी. और हर रोज सुबह उठती. एवरी मॉर्निंग व्हेन शी और उस वचन की घोषणा करती. शी स्टार्टेड टू स्पीक दोज वर्सेस. एक बारी. वंस. दिन में. रात को. बिना फेल. तीन बारी. विदाउट फेलिंग शी वुड डू इट थ्री टाइम्स एवरी डे. तीन चार महीने बाद. आफ्टर थ्री फोर मंथ्स. वो डॉक्टर के पास गई. दे वेंट टू द डॉक्टर. ब्लड रिपोर्ट भी. Got the blood report. उसमें आया कैंसर और फैल गया है. It said the cancer has spread all the more. क्या करोगे आप? What would you do? तीन महीने से वचन बोल रहे हो. Three months she's been declaring the word. Give up कर दोगे? Given up? उन्होंने कहा नहीं, मैं give up नहीं करूंगी. मेरे बच्चे इतने छोटे हैं. She said I won't give up. मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगी. I will fight till my last breath. मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगी. I will fight till my last breath. वो फिर से वचन को बोलती रही. She started speaking the word again. एक बारी, दो बारी, तीन बारी, चार बारी, वो बढ़ाती गई, बोलती गई. जब समय मिले वो परमेश्वर का वचन घोषणा, परमेश्वर के वचन की घोषणा करती. परमेश्वर का वचन कहती, उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ. Whenever she had time, she would declare the word, I am healed by the stripes of Lord Jesus. और जो डॉक्टर ने कहा था दो तीन महीने में उनकी डेथ हो जाएगी, तीन महीने हो गए. Well, the doctor said, छह महीने हो गए. She would die. नौ महीने हो गए. Yeah. एक साल हो गया. उसके बाद वो डॉक्टर के पास गई. Yeah. What the doctor had said, she would die. और वो बताती हैं, डॉक्टर ने कहा इतना हेल्दी खून हमने अपनी लाइफ में किसी का नहीं देखा. After a year, she went for the test and the doctor said, we have never seen such healthy blood in anyone's life, in anyone's body. और वो लेडी इस बात को अब 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं, उनके हस्बैंड प्रभु के पास चले गए, वो आज भी हेल्दी और जीवित है. Now it's been more than 50 years, this woman is still healthy and alive. Her husband passed away but she's still healthy and alive. I think वो अभी 85-86 साल की है. She must be 85-86 years old. और अगर आप उनको देखेंगे एकदम फिट है, फिट. And if you will see her, she's जब वचन आपको स्वास्थ्य देगा तो आप फिट रहोगे, फिट. When the word will give you health, you will be fit. Amen. मगर आपका एक दायित्व है. बोलो मेरा एक हिस्सा है. आपका क्या हिस्सा है? अगर आप बेचारे तो आप क्या बोलोगे? हाय मैं तो गई थी चर्च में, कुछ भी तो नहीं हुआ. If you act like a victim, you'll say, I went to the church, nothing happened. हुआ, बहुत कुछ हुआ. A lot has हो रहा है अभी आपके शरीर में, आपको पता भी नहीं. And a lot is happening in your bodies right now, you don't even know. मैं आज अपनी टीम को बोलूंगा, ध्यान से सुनिए, हम लोग चंगाई की घोषणा आप सबको भेजेंगे. We will send healing declarations to all of you. हम लोग बनाएंगे. We will make वचन से चंगाई की घोषणा. From the word we'll और जितने मसीह में जो FOLJ में हमारा परिवार है, हर किसी को हम आपको पर्सनली भेजेंगे. And to all those who are और family, we'll send it to you. हमसे कमिटमेंट करो, रोज तीन बारी दवाई की तरह परमेश्वर का वचन बोलोगे. And you commit to us that you will make those declarations three times every day. Amen. Amen. कोई शैतान आपको समय से पहले नहीं ले जा सकता. No devil can take you before your time. करोगे आप दवाई की तरह लोग? जब अब आज अभी जो होगा, जब मैं कल प्रार्थना कर रहा था आज की सभा के लिए, प्रभु ने मुझे बताया आज एक अद्भुत सामर्थ आपके ऊपर उतरेगी जब प्रार्थना होगी. When I was praying for today's service, the Lord told me yesterday, a mighty presence will come upon you as I pray. एक tangible anointing आप महसूस करोगे आपके शरीर को छूते हुए. You will experience a tangible और हम महान चंगाइयों को आज देखेंगे अपने सामने. And we will see mighty healings take place today. मगर आपको क्या करना है? What आपको do you have to कब्जा do? करने वाला बनना है. You have to be the one who captures it, seizes. दो लोग हैं. आप लगाइए एक होटल में गए, दो लोग गए एक रेस्टोरेंट में. So two people went to a restaurant. एक को जबरदस्त भूख लगी है. One was very hungry. और एक को भूख नहीं लगी. And the other was not hungry at all. क्या आप बाहर से देख के पहचान सकते हो? Can you identify them from outside? कई लोग कह रहे नहीं. हाँ भाई हाँ. Yes you can identify them. वेटर के पीछे पड़ जाएगा, अबे ला भाई कब आएगा? He will get behind the waiter. जल्दी ला, जल्दी ला. जिसका पेट भरा हुआ बैठा है. The one who is already full is. कई बार जब प्रार्थना होती है ना, कई लोग ऐसे बैठे होते हैं. Many times when we are praying, people are sitting like this. अरे भूखे हो तो कब्जा कर लोगे. If you are hungry, जब परमेश्वर का सामर्थ बहेगा, when the power तो कब्जा कर लोगे. Take hold. वो समय नहीं है कि उसने कौन से कलर की शर्ट पहनी है और उसके बाल किस कलर के हैं. That time is not to see who's wearing what color shirt and what color hair they. वो समय है आपको अपना चंगाई, वो परमेश्वर का अभिषेक ग्रहण करने का. The time is for you to receive your healing, receive the anointing of God. तैयार हैं आप लोग? Are you ready? Warrior mentality. उस स्त्री की तरह आज जब उसके वस्त्र के छोर को छूंगी. To have that warrior mentality today, when I will touch the hem of his garment. आज मगर कुछ और होगा. But something else will happen. आज
आप अपना हाथ बढ़ाओगे, यू विल स्ट्रेच योर हैंड, आप उसको स्पर्श करोगे और वो आपको स्पर्श करेगा. यू विल टच हिम एंड ही विल टच यू. आपने उस सिस्टर की आज गवाही सुनी, यू हर्ड दैट सिस्टर्स टेस्टिमनी, जो सुप्रीम कोर्ट में, जो बाहर, वो कह रही मैं बाहर बैठी थी, शी वाज सिटिंग आउटसाइड, शी सेड, और उनके ऊपर सामर्थ उतरा और एकदम हील हो गए. एंड द पावर ऑफ गॉड केम डाउन अपॉन हर. एग्जैक्टली ऐसे ही बहुत सारी गवाहियां आ जाने वाली है. एग्जैक्टली व्हाट्स गोना हैपन टुडे. पवित्र आत्मा का सामर्थ, उसकी अनॉइंटिंग आज इलेक्ट्रिक करंट की तरह, एक बिजली की सामर्थ की तरह यहाँ पे बहेगा और हम लोग महान चंगाइयों को देखेंगे. His power, his anointing will flow in this place like electricity and we will see mighty works. आप लोग खड़े हो जाइए. Are you ready? अपने अपने दिलों को तैयार करो इस समय. Prepare your hearts in this moment. अपने दिलों को तैयार करो इस समय. ये आपका समय है. ये आपका समय है आज. This is your time. ये आपका समय है आज. This is your time. अपनी चंगाई ग्रहण करने के लिए. To receive your healing. अपनी चंगाई ग्रहण करने के लिए. Receive your healing. अपने हाथों को उठाओ. Lift up your hands. मैं जैसे ही अब प्रार्थ करने जा रहा हूँ, एक महान सामर्थ आपके ऊपर उतरने वाला है. As I pray, a mighty presence will come upon you. पवित्र आत्मा का एक महान अभिषेक आपके ऊपर उतर रहा है. A mighty anointing of Holy Spirit will come upon you. आपको पूरी रीति से सर से लेकर पांव तक परमेश्वर आज आजाद कर रहा है. Today God is healing you from head to toe, from everything. तैयार हो आप लोग? Are you ready? ले लो इस अभिषेक को. Take this anointing. एक, दो, तीन. Fire, Agni. Fire, Agni. Take it. Lelo. Take it. Lelo. Take it. Lelo. Be healed in Jesus' name. चंगे हो जाओ यीशु. वो सामर्थ आ रहा है आपके ऊपर इस समय. That power is coming upon you. परमेश्वर का सामर्थ आ रहा है इस समय आपके ऊपर. The power of God is coming upon you. यीशु मसीह के नाम में. In Jesus' name. यीशु के नाम में. In Jesus' name. चंगे हो जाओ. Be healed. सर से लेकर पांव तक. From head to toe. सर से लेकर पांव तक. From head to toe. यीशु मसीह के नाम में. In Jesus' name. परमेश्वर का वो सामर्थ, द पावर ऑफ गॉड, वो बिजली की सामर्थ आपके सर से लेकर पांव तक जा रहा है. पावर लाइक इलेक्ट्रिसिटी इज गोइंग फ्रॉम योर हेड टू योर टो. इस समय, इन दिस मोमेंट, खून की सारी बीमारियां चंगी हो रही हैं. एवरी ब्लड डिसऑर्डर इज बीइंग हील्ड इन जीसस. खून की सारी बीमारियां चंगी हो रही हैं. एवरी ब्लड डिसऑर्डर इज बीइंग हील्ड. सारा कैंसर नाश हो रहा है सर से लेकर पांव तक. कैंसर इज बीइंग हील्ड इन जीसस. सारा ट्यूमर नाश हो रहा है इस समय. ऑल द ट्यूमर इज बीइंग हील्ड. सारे मानसिक रोग नाश हो रहे हैं यीशु के नाम में. ऑल द मेंटल डिसऑर्डर्स आर बीइंग हील्ड इन जीसस नेम. ग्रहण करो अपनी चंगाई को. टेक योर हीलिंग. रिसीव करो अपनी चंगाई को. रिसीव योर हीलिंग. सारा दर्द जा रहा है आपके शरीर से. All the pain is leaving you. सारी बीमारी की दुष्ट आत्मा में तुझे आदेश देता हूँ, छोड़कर चली जा. Every spirit of infirmity I command you, leave now in Jesus name. परमेश्वर एल्जाइमर्स, किसी का एल्जाइमर्स डिजीज चंगा हो रहा है इस समय. गॉड इज हीलिंग समवनस एल्जाइमर्स डिजीज. किसी को एल्जाइमर्स की बीमारी है इस जगह में. समवन हैज एल्जाइमर्स डिसऑर्डर डिजीज. आप चंगे हो रहे हैं एल्जाइमर्स से. यू आर बीइंग हील्ड ऑफ एल्जाइमर्स. यीशु मसीह के नाम में. इन जीसस नेम. सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाओ. फ्रॉम हेड टू टो बी हील्ड. मैं कमांड करता हूँ आपके शरीर का हर एक ऑर्गन. आई कमांड एवरी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी. परफेक्ट काम कर रहा है इस समय यीशु के नाम. बी मेड परफेक्ट इज वर्किंग परफेक्टली नाउ इन जीसस नेम. यीशु के नाम में. इन जीसस नेम. थैंक यू लॉर्ड जीसस. धन्यवाद प्रभु यीशु. थैंक यू लॉर्ड जीसस. धन्यवाद प्रभु यीशु. अजय, अजय अपनी चंगाई ग्रहण करो इस समय. अजय, अजय अपनी चंगाई करो. अजय परमेश्वर तुम्हें चंगा कर रहा है सर से लेकर पांव तक. अजय गॉड इज हीलिंग यू फ्रॉम हेड टू टो. हालेलुया. ज़ाब्रा गा दाना मसे को छोड़ो. आपके पास अधिकार है. अब अपने मुंह को खोलो. ओपन योर माउथ. और अपने बीमारी को कमांड करो कि मेरे शरीर से निकल के बाहर जाए. एंड कमांड योर सिकनेस टू गेट आउट ऑफ योर बॉडी. हर कोई यहाँ पे, कोई चुप ना रहे. लेट नो वन बी साइलेंट. कमांड करो यीशु के नाम में. कमांड इन जीसस नेम.